टू द समिट वी रीच द टॉप। जब मैंने ये सोचा कि इसका वीडियो बनाऊं तो मेरे ख्याल में दो लाइन आ गई, जरा उनका जिक्र करती हूँ। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्यारी लाइन से। एनीवे वी स्टार्ट विद इट। द लेसन सेज व्हेन वी लेफ्ट कैंप 9 ऑन फ्राइडे मॉर्निंग आई वाज डिटरमिन्ड टू गेट टू द टॉप ऑन दिस डे। दैट मॉर्निंग आई रिमेम्बर थिंकिंग आई वाज टू गेट टू द टॉप इवन इफ आई डाई। आई वाज नॉट अफ्रेड टू डाई दैट डे। वी सेट आउट अर्ली एंड ऑल द वे फ्रॉम कैंप 9 टू द पीक वी ऑल्टरनेटेड। तो ये जो है ये किसने लिखा हुआ है, तो शायद ये तेंजिंग नॉर्गे की खुद की कहानी है जो उसने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो वो कहते हैं कि जब हमने कैंप 9 फ्राइडे के दिन, फ्राइडे सुबह को जब हमने कैंप 9 छोड़ा, एक्चुअली ये कैंप्स कैसे होते हैं, तो कैंप 1, 2, 3 ये इस तरीके से ऊपर की ओर जाते रहते हैं। मतलब जो बेस में होगा वो होगा कैंप 1, उसके ऊपर कैंप 2, कैंप 3। अब ये कैंप 9 मतलब सबसे ऊपर की चोटी की ओर का जो कैंप है वो कैंप 9 है। तो ये कहते हैं कि जब हमने कैंप 9 फ्राइडे सुबह को छोड़ा तो मैंने मन ही मन ये तय कर लिया था कि आज हम शिखर पर जरूर जाएंगे। मुझे याद है उस दिन सुबह मैंने सोचा कि मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे उसका कोई गम नहीं, मैं शिखर पर तो जाकर ही रहूंगा। हम जल्दी निकल पड़े और हम अपनी जगह। आई वुड टेक द लीड एंड देन हिलरी, द मैन हु फॉलोज व्हेन क्लाइंबिंग वाज अ डिफिकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन। He is the anchor, the man going in the lead cuts the steps and breaks the way. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं और हिलरी जो है वो दोनों ऊपर की ओर जा रहे थे, तो जब मैं आगे जाता हिलरी पीछे रहता, और कभी कभी फिर हिलरी आगे रहता और मैं पीछे रहता। पर जो पीछे रहता वो भले ही ऊपर की ओर चढ़ाई हो या नीचे की ओर उतरना हो, दोनों ही जगह पे जो पीछे रहता है उसका कार्य थोड़ा कठिन होता है। जो आगे चल रहा है उसको तो सिर्फ अपनी, आप कह सकते हैं, राह बनानी होती है, और पीछे वाला पूरा कंट्रोल करता है। इन माय पॉकेट आई हैड 4 फ्लैग्स। व्हेन वी वर स्टिल एट कैंप 4 कर्नल हंट गेव मी 3 फ्लैग्स, दोज ऑफ ब्रिटेन, द यूनाइटेड नेशंस एंड नेपाल। ही चार्ज्ड मी विद द ड्यूटी ऑफ प्लांटिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तेंजिंग नॉर्गे कहते कि जब मैं कैंप 4 पे था, कैंप 4 मतलब बहुत नीचे, तो जब मैं कैंप 4 पे था तो वहां पे कर्नल हंट, कर्नल की स्पेलिंग यहाँ पे देखिए, कर्नल ये एक पोस्ट होती है मिलिट्री में, आर्मी में, और ये थोड़ी ऊपर की पोस्ट होती है। तो कर्नल हंट ने इन्हें 3 फ्लैग्स दिए थे, 3 ध्वज दिए थे, 3 झंडे दिए थे। एक था ब्रिटेन का, एक था यूनाइटेड नेशंस का, और एक था नेपाल का। उन्होंने तेंजिंग को ये काम सौंपा था कि जब आप ऊपर जाओगे, शिखर पे जाओगे, तो ये तीनों झंडे वहां पे लगा देना। These 3 flags are in your care, he said. When you and Hillary reach the top, put them at the peak. I'm sure that you and Hillary are going to do it. तो देखिए कर्नल हंट को कितना विश्वास था, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ ये 3 झंडे जो है वो तेंजिंग नॉर्गे को दिए और बोले कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऊपर पहुंचोगे, और जब तुम ऊपर पहुंचोगे तो ये तीनों झंडे वहां पे लगा देना, तब तक ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आई टोल्ड कर्नल हंट दैट आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग विथ मी एंड आई वुड लाइक टू बी ऑन द टॉप विद द अदर फ्लैग्स। आई हैड टू आस्क कर्नल हंट्स परमिशन इन हिज कैपेसिटी एज लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन। तो तेंजिंग कहते हैं कि उन्होंने कर्नल को बोला कि मेरे पास भारत का ध्वज भी है, और मैं क्या करूंगा कि ये जो भारत का ध्वज है वो मैं लेके आया, और बाकी के ध्वज के साथ मैं ये भी ऊपर लगाऊंगा। और मुझे कर्नल हंट की परमिशन लेनी पड़ी, क्यों? क्योंकि वही हमारे कैप्टन थे इस पूरे, आप कह सकते हैं जो अभियान था उसके ये कैप्टन थे, इसलिए मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ी। इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग के बारे में बात करते हैं। कर्नल हंट सेड बाय ऑल मीन्स आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव ब्रॉट एन इंडियन फ्लैग। तो कर्नल हंट खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाह, तुम्हारे पास तो भारत का भी ध्वज है, तुम वो भी लेके आए हो। आफ्टर 1 hour ऑफ स्टेडी गोइंग वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साउथ फेस एंड स्टार्टेड अप द वेस्ट साइड वेयर वी हैड टू पास अप अ स्टीप लाइन ऑफ रॉक्स। दिस वाज स्लो एंड डिफिकल्ट। वंस वी हैड क्लियर्ड दिस देयर वाज नथिंग बेयरिंग आवर वे टू द टॉप बट अ स्नो कवर्ड इनक्लाइन स्लोपिंग लेस एंड लेस एज इट नियर द टॉप। तो 1 घंटा लगातार चलने के बाद
लेखक ने साउथ साइड पार कर पश्चिम की ओर चलना शुरू कर दिया। वे कहते हैं, जब हमें खड़ी चट्टानों को पार करना था, यहाँ पे उन्हें क्या करना था, जो चट्टानें स्ट्रेट खड़ी थी उन्हें पार करना था, ये मुश्किल था। अगर एक बार यह पार हो जाता तो आगे उन्हें जाने से कोई रोक नहीं सकता था। उसके आगे सिर्फ एक बर्फ से ढका झुका था जो ऊपर और छोटा छोटा होता गया, तो ये एक प्रॉब्लम आगे आ सकती थी। पर ये जो था, ये अभी का जो था वो इम्पोर्टेंट था क्रॉस करना। दीज लास्ट 60 or 70 feet अप द टॉप वर नॉट वेरी डेंजरस, बट वी केप्ट अप द सेम स्टेडी पेस एंड वी रीच द स्मॉल फ्लैट इन समिट ऑलमोस्ट टुगेदर। तो वो कहते कि जो आखिर के 60 से 70 feet थे वो इतने खतरनाक नहीं थे, पर लेखक ने और उनका जो एक असिस्ट वो था, उनके साथी जो था, उन्होंने अपनी गति जो थी वो नियमित रखी। ये नहीं कि अभी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो भागो, ऐसा नहीं। और उन दोनों ने लगभग एक साथ ही छोटे से समतल शिखर पर पहुंच गए एक साथ। ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों एक साथ पहुंचे, ऑलमोस्ट टुगेदर। ड्यूरिंग द लास्ट 50 feet फ्रॉम द पीक हिलरी एंड आई वर मूविंग अबाउट 20 feet अपार्ट। We were tied together with a rope. Most of the time, the rope was loose, but when we went over dangerous ground, we drew it taut. तो कहते हैं कि जब लास्ट के 50 फीट के करीब बच गया था ऊपर शिखर की ओर जाने का, तो हिलरी और ये जो लेखक है वो दोनों के बीच में 20 फीट का अंतर था। दोनों के बीच में मतलब दोनों समांतर चल रहे थे, ये नहीं कि आगे पीछे, दोनों बराबर चल रहे थे और दोनों के मतलब बीच में 20 फीट का अंतर था। दोनों जो है वो रस्सी से बंधे हुए थे। ये रस्सी यहाँ पे बहुत कुछ सिग्निफाई करते है कि हम एक है। मोस्ट ऑफ द टाइम द रोप वॉज लूज, वो जो रस्सी थी वो बस लूज बंधी थी, लेकिन जब वो खतरनाक जगह पे जाते थे तो वो जो बंद है वो थोड़ा और टाइट कर लेते थे, वो रस्सी को वो थोड़ा टाइट कर लेते थे। दिस रोप वॉज अ सिम्बॉल, इट टाइटेस्ट टूगेदर, वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर, वी वे नॉट टू इंडिविजुअल्स बट अ टीम। तो वही ये कहने की कोशिश करते कि ये रस्सी एक बंध थी जो उन दोनों को एक दूसरे से बांधे हुए थी, एक के बिना दूसरा आगे बढ़ नहीं सकता था। ऐसे मानो हो कि ये दो अलग अलग इंसान न होकर एक संघ हो, एक टीम हो। आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स हु वॉज फर्स्ट वेन वी वर विद इन द रीच ऑफ द समिट। आई डिड नॉट थिंक ऑफ हु वॉज गोइंग टू बी फर्स्ट। I am sure that Hilary was not thinking that. Climbing takes all your attention. You have many more important worries. तो लेखक तो अभी वापस मतलब कुछ याद करके कहते कि बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि तुम दोनों में से पहले कौन पहुंचा, पर जब हम शिखर के पास थे तो ना तो लेखक ने ये सोचा कि पहले वो पहुंचेगा और ना ही Hilary ने ये सोचा कि वो पहले पहुंचेगा। चढ़ने में आपका पूरा ध्यान रहता है, आपको इसकी बहुत चिंता रहती है, तो आपके दिमाग में दूसरे ख्याल आ ही नहीं सकते। What does it matter whether I reach the top first or Hilary? Our main thought was that both of us reach the top. We had to. One couldn't do it alone. तो उसमें क्या फर्क पड़ता है कि कौन पहले पहुंचा, लेखक पहले पहुंचा या Hilary पहले पहुंचा? उनका तो बस एक ही विचार था कि उन्हें ऊपर पहुंचना है, और उन्हें ऊपर पहुंचना ही था। कोई एक अकेला ये नहीं कर सकता था, उन दोनों को मिलकर ये करना था। इफ देयर हैड बीन अ डिफरेंस ऑफ 1,000 feet बिटवीन अस, देन वन कुड मेक द क्लेम दैट ही वॉज फर्स्ट। तो यहाँ पे वो कहते कि अगर दोनों के बीच में 1,000 feet से ज्यादा की दूरी रहती, एक आगे और दूसरा पीछे, उन दोनों के बीच में 1,000 feet की दूरी रहती, तो हम कह सकते कि कौन पहले पहुंचा कौन बाद में। देखिए यहाँ पे वो क्लियर नहीं कर रहे कि कौन पहले पहुंचा। But even then, only the man behind him could confirm the distance between the two of them. अब आगे जो निकल पड़ा उसे क्या पता कि दूसरा पीछे कितनी दूर रह गया, पीछे वाले को पता चलेगा कि आगे वाला उससे कितनी आगे गया, क्योंकि हम देख तो सामने सकते पीछे नहीं देख सकते, right? When we reached Kathmandu, we discovered that a controversy had arisen. We talked it over, Hilary, Colonel Hunt and I. We agreed that all the talk was childish. अब इनकी वो तो पूरा हो गया, अभियान जो था उनका वो तो पूरा हो गया। अभी इन लोगों ने क्या किया, पहुंचे कहाँ पे, काठमांडू। काठमांडू इज इन नेपाल। तो वहाँ पे जब पहुंचे तो उनके बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई, थोड़ी सी बहस हो गई, लेकिन किसके बीच में, तो Hilary, कर्नल हंट और लेखक के बीच में।
उन्होंने जब बात की तो उन्हें पता चला ये तो एक बचकाना से हरकत थी, छोड़ दी उन्होंने. सो वी मेड अ पैक्ट एंड ईच ऑफ अस साइंड इट इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. ईच वन साइंड हिज ओन स्टेटमेंट. आई हैव अ कॉपी ऑफ हिलरी स्टेटमेंट विच आई कैरी इन माई पॉकेट. तो कहते किसी बात पे तो भी हमारी वहाँ पे बहस हो गई, तो फिर इसलिए हमने क्या किया कि एक अग्रीमेंट साइन किया. ये कहाँ किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के ऑफिस में. यहाँ पे इन तीनों ने उसको साइन किया, और जिसने साइन किया, जैसे अभी अगर हिलरी साइन करते तो वो कॉपी जाएगी लेखक के पास, और लेखक ने साइन की हुई कॉपी जाएगी हिलरी के पास. मतलब इन लोगों ने अदल बदल के वो कॉपी ले ली थी. अब कॉपी में क्या था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट रीड्स काठमांडू June 22, 1953. देखिए ये कब का है, जब उनकी वो पूरा ऊपर चढ़ चुके थे उसके बाद ये अग्रीमेंट साइन की गई है. On May 29, Tenzing Sherpa and I left our high camp on Mount Everest for our attempt on the summit. As we climbed upwards to the south summit, first one and then the other would take a turn at leading. We crossed over the south summit and moved along the summit ridge. We reached the summit almost together. We embraced each other, overjoyed at our success. Then I took photograph of Tenzing holding aloft the flags of Great Britain, Nepal and United Nations and India, signed by E.P. Hillary. तो इसका अर्थ क्या होता है कि लिखा कहते इसमें लिखा हुआ है मैं माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तेंजिंग शेरपा के साथ चढ़ने के कोशिश करने के लिए चल दिए. जैसे जैसे हम दक्षिणी शिखर की ओर चढ़ने लगे तो हम दोनों को बारी बारी से आगे रहने का मौका मिलेगा, ऐसा हमने तय किया था. हमने दक्षिणी शिखर एक साथ पार किया, हम एक दूसरे के गले मिले और अपनी कामयाबी पर खुश हुए. उसके बाद मैंने तेंजिंग का ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, यूनाइटेड नेशंस और भारत का जो ध्वज है वह लिए फोटो निकाला, और ये जो नोट लिखा उसके नीचे ईपी हिलरी की साइन की हुई है. देयर इज अनदर पीपल लाइक दिस इन इंग्लिश साइंड बाय मी. तो इसका मतलब ये जो लेटर है ये किसने साइन किया हुआ है, ईपी हिलरी का, और ये शेरपा के पास है. और ऐसे ही एक इंग्लिश में लिखा हुआ लेटर जिसपे शेरपा ने साइन किया हुआ है वो हिलरी के पास है. ओके, दस वी विल नॉट टेक पार्ट इन एनी कॉन्ट्रोवर्सी. इसका मतलब इससे और आगे चल के कोई भी आप कह सकते हैं बहस नहीं होगी. एज द स्टेटमेंट सेज हिलरी एंड आई एम्ब्रेस्ड व्हेन वी रीच द टॉप. इसमें क्या कहा गया है कि हम दोनों एक दूसरे के गले मिले. वी डिड एज वेल एज आवर बल्की इक्विपमेंट्स वुड लेट अस. तो कह रहे हम उतना ही गले मिल पाए, क्योंकि उनके तो वो जैकेट्स होती है ना, बड़े बड़े सिलेंडर्स वगैरह लगे रहते हैं उनके ऊपर. तो कहते हम गले वैसे तो नहीं मिल पाए, पर इसमें लिखा है कि हमने गले मिले, तो जितना हो सकता था हम गले मिले वहां पे. वी डिड एज बल्की इक्विपमेंट्स वुड लेट अस. आई रिमेम्बर सेइंग टू हिम वी हैव डन इट बट वी कुडंट हियर, वी हैड अ ऑक्सीजन मास्क ऑन. तो कहते कि मैंने इसमें उसको ये भी कहा था, जब हम लोग ऊपर पहुंचे तो मैंने ये भी उससे कहा था कि हमने कर दिखाया, पर ये वो सुन नहीं पाया क्योंकि ऑक्सीजन का मास्क था. और एक चीज देखिए, जैसे जैसे हम शिखर के ऊपर जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कम होता रहता है, और साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है. हम जो बोलते हैं तो वो दूसरे तक कैसे पहुंचता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऊपर ऑक्सीजन नहीं था, उन्होंने ऊपर से मास्क वगैरह पहन के रखे थे, तो आवाज एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच पा रही थी. फर्स्ट थॉट, पहला विचार क्या आया? माय फर्स्ट थॉट ऑन रीचिंग द टॉप वाज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड दैट आफ्टर हैविंग फेल्ड सिक्स टाइम्स ही हैड ब्लेस्ड मी विद फुलफिलमेंट ऑफ दिस डिजायर आई हैड हेल्ड सो लॉन्ग. तो कहते कि जब मैं ऊपर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने मेरे भगवान को, भगवान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैं 6 बार इस पूरे अभियान में असफल हुआ था, और अब की बार उनके आशीर्वाद के कारण मेरी इच्छा जो थी इतने दिनों से, जो मेरे अंदर जो इच्छा थी वो पूरी हो सकी. आई प्लेस्ड ऑन द समिट द ऑफरिंग्स टू गॉड दैट आई हैड कैरीड विथ मी. तो कहते मेरे पास जो कुछ भी था, जो मैं लेके गया था, हम लोग मतलब हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि हम लोग भगवान के लिए कुछ निकाल के रखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी था मैं लेके गया था भगवान को देने के लिए, वो मैंने वहां पे रख दिया. देखो कितनी आप कह सकते भोले इंसान है हम. दिस इज इन अकॉर्ड विथ माई रिलीजन. तो वो कहते हैं ये जो मैंने गॉड को ऑफरिंग दी
वो हमारे धर्म के अनुसार था, मतलब जो उनके धर्म में कहा जाता है उसके हिसाब से उन्होंने वो सब चढ़ावा चढ़ाया वहां पे। बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट। तो इन लोग कौन से जात के हैं? तो इनकी जाति जो है वो है बुद्धिस्ट, वो बुद्धिज्म को अपनाते हैं। तो आपको पता होगा ना वो बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा, हाँ, तो वो वाले धर्म के हैं ये। आई कुड नॉट नील बिकॉज ऑफ माई क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट्स। तो उनमें ऐसा होता है कि उन लोग घुटने के बल, मतलब शायद से भगवान की पूजा करते होंगे, तो कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे जो कपड़े थे उनके कपड़े तो बहुत अलग रहते हैं, उनके जो उपकरण रहते हैं, मैंने बोला ना उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो उनके कारण ये बेचारे नीचे घुटनों के बल नहीं बैठ पाए। बट आई ऑफर ए साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट। तो ये नहीं कर पाए, ठीक है ना, दिखावा नहीं किया, पर उन्होंने मन से भगवान को याद किया और भगवान की प्रार्थना की। द ऑफरिंग्स वर बिस्किट्स, कैंडी एंड ए लिटिल ब्लू पेंसिल। माई यंगेस्ट डॉटर नीमा हैड गिवन मी द पेंसिल बिफोर आई लेफ्ट होम। तो कहते मैंने भगवान को क्या चढ़ावा चढ़ाया, तो बिस्किट्स थे, कुछ कैंडी, चॉकलेट जिसको हम कहते हैं ना टॉफियां टाइप, उस तरीके की कैंडी थी और एक ब्लू कलर की पेंसिल थी। ये पेंसिल उनकी छोटी बेटी ने, नीमा जिसका नाम था, उन्होंने दिया था, वो जब घर छोड़ रहे थे उस समय दी थी। शी आस्क्ड मी टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एज हर ऑफरिंग। तो देखो ये छोटी लड़की का भी कितनी भावना है उसके मन में। तो उसने कहा कि जब आप पापा ऊपर पहुंचोगे तो मेरी तरफ से ये भगवान को चढ़ावा चढ़ा देना। इट वॉज एन ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल, नॉट इवन अ लॉन्ग वन, बट इट वॉज वन ऑफ अ प्राइज पोजेशंस। वो एक छोटी सी पेंसिल थी, लंबी भी नहीं थी, पर ये उसको बहुत प्रिय थी, वो उसने भगवान को चढ़ावे के लिए दे दी थी। एज आई पुट इट डाउन आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलरी, ही गेव मी अ बिग स्माइल शोइंग दैट ही अंडरस्टूड। तो जब लेखक ने वो पेंसिल उधर रखी ऊपर, तो उसने हिलरी को बताया कि देखो ये सब ऐसी बात है, तो वो भी उसने भी एक बहुत बड़ी मुस्कान दी, मानो उसको ये सब भाव समझ में आए। देन आई गॉट आउट द फ्लैग्स विच आई हैड ऑन पीस ऑफ स्ट्रिंग अबाउट 4 फीट लॉन्ग। आई फासन वन एंड टू माई आइस एक्स एंड हिलरी टुक पिक्चर्स एज आई हेल्ड इट अप। तो कहते कि मैंने ना एक क्या किया था, एक धागे से 4 फीट का जो था उसके ऊपर ये चारों फ्लैग्स जो है थे वो बांधे, और उनका जो बर्फ निकालने का जो एक रहता है ना, जिससे बर्फ के अंदर आप पकड़ पूरी कर सकते हो, या बर्फ निकालने का जो एक एक्स रहता है, उसके साथ ये सब टांग दिया और उस हिलरी ने फोटो निकाले। एज आई हैड टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विथ मी, I buried one end of the string in the ice on the top and the other in snow on the slope down below. When we left, they were lying flat against the summit. तो कह रही कि अब वो तो मुझे अपना जो एक्स था, कुल्हाड़ी टाइप जो रहती है, वो नीचे लेके आनी पड़ रही थी, क्योंकि उसको तो वापस आना है ना, तो उसको पूरा वापस सीढ़ियाँ वगैरह रास्ता बनाना पड़ता, तो उसे तो उसकी जरूरत थी। इसलिए उसने क्या किया कि वो जो धागा था उसको बर्फ के अंदर गाड़ दिया एक तरफ से, और दूसरा जो साइड था वो उसने खुला छोड़ दिया। तो इससे वो ऐसा लग रहा था मानो कि उस शिखर के ऊपर वो उसके ऊपर झल्लर के जैसे लटका हुआ है। आई वॉज वेरी थर्स्टी, आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर फॉर अ ड्रिंक, बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोजन, सो आई कुडंट क्वेंच माई थर्स्ट। आई एट सम बिस्किट्स एंड ऑफर्ड सम टू हिलरी। वो कहते कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो उन्होंने एक मग टाइप रहता है टम्बलर जो, जिसके अंदर हम पानी पीते हैं, ये यूजुअली मिलिट्री के लोगों को दिया जाता है, या जो मतलब ये सारी जो पर्वतारोहण वगैरह करते हैं उनको दिया जाता है। तो कहते कि मैंने जब मेरा मेटल कंटेनर निकाला तो उसमें देखा कि बर्फ जो है वो पूरी तरह से जम गई थी पानी की, तो पानी पीने के लिए भी नहीं था, अब कैसे पानी पियेंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा बिस्किट जो था उनके पास वो खाया, उन्होंने वो हिलरी को भी ऑफर किया। आई वॉज वेयरिंग अ रेड स्कार्फ विच माई ग्रेट फ्रेंड लैम्बर्ट, लीडर ऑफ द 1952 स्विस एक्सपेडिशन, हैड गिवन मी लास्ट ईयर। तो वो कहते कि मैं एक रेड स्कार्फ पहना हुआ था जो मेरे मित्र ने, अब ये देखिए इन्होंने बोला ना पीछे भी कि उन्होंने कई सारे एक्सपेडिशन्स किए थे और सारे फेल हो गए थे, तो उनमें से एक एक्सपेडिशन अभियान के दौरान उनके एक फ्रेंड ने उन्हें रेड स्कार्फ दिया था, वो उन्होंने पहना था, 1 साल पहले उन्होंने ये दिया था। ऑन May 28th व्हेन वी वर स्टैंडिंग एट 28.215 फीट दैट ही गेव मी द स्कार्फ। तो ये बोलते कि उन्होंने कब दी थी उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। आई वोर इट ऑल द वे द माउंटेन फ्रॉम दार्जिलिंग, एज आई स्टूड एट द टॉप आई रिमेम्बर्ड हिम एंड फेल्ट दैट ही वॉज विथ मी। आई फेल एब्सोल्यूटली फिट एट द समिट, माई माइंड वॉज एब्सोल्यूटली क्लियर, आई डिडंट फील टायर्ड, आई फील एक्सिलरेटेड, इट वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन। तो कहते मैं थका हारा नहीं था, मैं जब माउंटेन के ऊपर, मतलब मैंने ये कब पहना था स्कार्फ, तो जब मैं ऊपर की ओर जा रहा था दार्जिलिंग से माउंटेन के ऊपर, तब मैंने पहना था, और जब मैं ऊपर पहुंचा तो मुझे ऐसे लगा कि उस स्कार्फ
रूप स्कार्फ जैसे मेरे पास है, वैसे मेरा फ्रेंड जो है लैम्बर्ट वो भी मेरे साथ खड़ा है। तो कहते मैं थका नहीं था बल्कि मैं उत्साहित था, मैं रोमांचित था और मैं बहुत खुश था। बिलो ऑल द हिल्स एंड माउंटेन्स लुक लाइक गॉड एंड गॉडेसेस टू मी, द प्लेन्स बिलो लुक लाइक सो मेनी ब्रोकन पीसेस ऑफ द मैप। तो कहते हैं कि जब मैं ऊपर गया तो मुझे नीचे जो छोटे छोटे पर्वत है, जो पहाड़ है, वो देवी देवताओं के जैसे लगने लग गए। और वहाँ पे जो नीचे समतल जमीन थी वो लगा मानो किसी एक नकाशा के छोटे छोटे टुकड़े टूटे पड़े हुए हैं। टू आर थ्री पीपल कुड स्टैंड देयर ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इफ यू कट आइस। तो कहते विश्व का सबसे ऊपर जी चोटी है विश्व की, उसको अगर हम बर्फ को काट दें तो वहां पे सिर्फ दो या तीन इंसान ही खड़े हो सकते हैं, इतनी जगह है विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर। 20 or 30 feet बिलो द टॉप देयर वॉज इनफ फ्लैट स्क्वायर फॉर टू पीपल्स टू स्लीप। तो कह रहे कि थोड़ा नीचे अगर आते 20-30 feet नीचे की ओर तो वहां पे एक चौकोन सी जगह थी जहां पे दो लोग आराम से सो सकते, इतनी जगह। मतलब देखिए ऊपर कितना संकरा है, वो ऊपर कितना स्टीप है। यू कुड पिच वन टेंट देयर, आप उधर एक टेंट भी लगा सकते हैं। द समिट इज फ्लैट ऑन वन साइड एंड स्टीप ऑन द अदर। तो ये जो शिखर है वो कैसा है, एक ओर से पूरी तरह से संकरा है और दूसरी ओर से थोड़ा समतल है। देयर इज स्नो ऑन द नॉर्दर्न साइड, रॉक्स ऑन द साउथ एंड ईस्ट एंड स्नोई रॉक ऑन द वेस्ट। जिक्र किया है कि वो चोटी जो शिखर है वो कैसा है उसके बारे में। वी स्टेड ऑन द टॉप अ लिटिल मोर देन 15 minutes। वी वर लकी दैट देयर वॉज नो गेल और इट वुड हैव स्वेप्ट अस ऑफ। तो कहते कि हम ऊपर 15 मिनट के लिए रुके, पर हम लोग नसीब वाले हैं कि वहाँ पे कोई भी ज़्यादा जोर से ऐसे हवा नहीं चली, क्योंकि अगर ज़्यादा जोर से हवा चलती तो हमको भी वो हवा अपने साथ ले उड़ती। माई नेक्स्ट थाट वॉज हाउ टू गेट डाउन सेफली। तो कहते मेरे दिमाग में एक और ख्याल है, अब नीचे आने का एक प्रॉब्लम है, नीचे कैसे आएंगे वो हम लोग सोचने लग गए। डिस्टेंस फ्रॉम द समिट I was walking behind Hillary. I was following him and holding the rope tightly. And my determination was to make sure he descended safely. I must say that the climb down was more difficult and dangerous than the climb up. If you slipped down, you would go into the Kanchen Glacier and there would be no trace left of you. तो कहते अब हम नीचे की ओर आने लग गए। तो जब हम लोग नीचे की ओर आ रहे थे तो मैं पीछे था और Hillary आगे चल रहा था। मैं उसका जो रस्सी थी वो बहुत जोर से पकड़ के रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल क्या करेगा, जो चल रहा है उसको अपनी ओर खींचेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इंसान जो है वो सामने की ओर गिर जाएगा। तो कहते कि अगर थोड़ी भी गलती होती तो हम लोग डायरेक्ट कैंशुंग जो ग्लेशियर है उसके अंदर गिर जाते और कोई नामो निशान हमारा नहीं बचता। मोर कॉशन नीडेड, कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आपको वहाँ पे कॉशन लेना पड़ा, कितनी आपको वहां पे सावधानी बरतनी पड़ी, उसके बारे में बोल रहा है। ऑफ कोर्स इट टुक लेस टाइम क्लाइंबिंग डाउन बट यू नीडेड मोर हुशियर, दैट इज कॉशन। व्हेन आई रीच कैंप 9 माय फर्स्ट थॉट वाज थैंक गॉड वी हैव बीन स्पेयर्ड एन एक्सीडेंट एंड इफ अप टू नाउ देयर हैव बीन नो एक्सीडेंट्स आई होप देयर विल बी नन इन फ्यूचर। आई हैड ऑलवेज प्रेड टू गॉड एंड ही हैड सेव्ड मी। तो वो कहते हैं कि जैसे हम नीचे की ओर आने लग गए तो अभी उनको कौन सा पहले मिलेगा, कैंप? तो कैंप 9, क्योंकि वो सबसे ऊपर था। और सबसे लास्ट में कौन सा मिलेगा, कैंप 1, जो एकदम नीचे बेस में रहेगा। तो उन लोग कहते हैं कि जब हम लोग कैंप 9 में आए तो मैंने भगवान का वापस शुक्रिया अदा किया कि अच्छा हुआ कि हमको कोई हमारे साथ दुर्घटना नहीं घटी, और अभी तक अगर कोई दुर्घटना नहीं घटी तो आगे होने की चांसेस भी नहीं है, भगवान ने हमें बचा लिया। At Camp 9, Hillary and I were in no mood for any talking. We just attended to our own things. We stayed there about half an hour. We boiled some snow to make lemon water and drank it. तो कहते जब हम Camp 9 पे आ गए तो Hillary और मैं, मतलब हो सकता है obviously दोनों इतने थके हारे थे कि उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने अपना अपना सामान जो है वो बांधना शुरू कर दिया और वहाँ पे वो एक आध घंटे आधे घंटे के लिए रुके। तो उस समय उनके पास तो पानी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बर्फ लिया, उसको उबाला ताकि वो पानी पीने जैसे हो सके, उसके अंदर नींबू डाला, नींबू पानी करके उन्होंने पी लिया। When we left, we took only our sleeping bags and left everything else behind in the tent. अभी उनको 9 से 8 की ओर आना था तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना बाकी का सारा सामान जो वो 9 नंबर के कैंप में ही रख दिया और सिर्फ उन्होंने अपनी जो स्लीपिंग बैग्स थी वो ले ली और नीचे की ओर आ गए। फ्रॉम कैंप 9 टू कैंप 8 where we spent the night was an easier job. अब कैंप 8 तक पहुंच गए वो, यहाँ पे उन्हें रात गुजारनी थी और इसमें तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई। जस्ट अबव कैंप 8 where the others could see us, I raised my arm with my thumb up.
CWF noise, I and Law saw us and their faces flushed with joy. तो कहते कैंप एट, आठ नंबर के कैंप तक पहुंचने के पहले ही हम उस जगह पे आ गए थे जहां से नीचे खड़े लोग हमें देख सकते थे। तो मैंने हाथ ऊपर करके थम्स अप करके ये बता दिया कि हाँ सारी चीजें अच्छे से हो गई, और ये दो जो है उनके असिस्टेंट जो नीचे थे कैंप एट के नीचे, उन्होंने उन्हें देख लिया। इन दिस वे आई वॉज एबल टू टेल देम ऑफ आर सक्सेस। एज वी गॉट नियर टू कैंप एट, लो केम टू मीट अस एंड केम अप अबाउट 300 फीट विद टी एंड कॉफी। तो देखिए उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने नीचे जब देखा कि इन लोग पूरा अपना अभियान करके आ गए हैं वापस, तो उन लोग चाय और कॉफी लेके 300 फीट ऊपर की ओर गए कैंप एट के पास उनको देने के लिए। अनदर 50 फीट डाउन वी मेट नॉइस हु ब्रॉट अस मोर टी। 50 फीट और नीचे आ गए तो नॉइस भी चाय लेके आ गया। दिस टी स्मेल केरोसिन, अपेरेंटली इट हैड बीन मेड इन अ हरी एंड समहाउ सम केरोसिन गॉट इनटू द वेलकम कप। तो कह रहे कि वो जो दूसरा आदमी लेके आया था चाय, उसमें थोड़ी सी आप कह सकते केरोसिन की स्मेल आ रही थी। ये हो सकता है कि उन्होंने गड़बड़ाहट में या फटाफट करने के इसमें उसमें थोड़ा सा केरोसिन गिर गया हो, तो वो जो पहला कप हमें मिला चाय का उसमें केरोसिन की थोड़ा सा स्मेल आ रहा था। आई थॉट सिंस द जेंटलमैन हैड टेकन सो मच ट्रबल टू ब्रिंग इट, आई वॉज गोइंग टू एंजॉय इट वॉट एवर द स्मेल। नहीं, इसके पीछे उनकी मेहनत देखो, बेचारे अपनेपन से अपने प्यार से इतनी कष्ट करके वो चाय लेके आए, तो मैंने वो चाय पूरी तरह से एंजॉय की भले उसकी स्मेल कैसी भी हो। ये जो है ये लेख लिखा है तेंजिंग नॉर्गे ने। हैट्स ऑफ टू तेंजिंग नॉर्गे। अगर हम हमारे जैसे हम कहते हैं ना हमारे देश का फ्लैग उसने ऊपर लगाया, देखिए वो भावना क्या होगी। अगर आपके मन में भी भारत का ध्वज, ये शब्द भारत का तिरंगा, ये शब्द सुन के भी आपके मन गर्व से फूलता होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर लिख के बताइए। सी यू फॉर द टाइमिंग। आज अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सो। बाय।